लगता है कितनी बड़ी जीतों से वोटों से जीत होगी आपकी? पूरे हर जगह शांति से वोट पड़ रहा है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, और जो मैं घूम रहा हूँ देख रहा हूँ कि पूरे विधानसभा में सारे लोग जो है कमल के बटन दबाने की तैयारी कर लिए हैं और दबा फिर हैं बड़ी तेजी से। जहाँ तक मैं घूमा हूँ हर जगह केवल कमल कमल कमल। इससे साबित होता है कि जिस तरीके से प्रदेश की जनता ने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा किया है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो चौतरफा विकास किया है लोगों ने भरोसा किया है, मुझे लगता है आज के दिन इतना ज्यादा मैंने कमल के बटन दब रही है और 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो भारी बहुमत से भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत के जाएगी। समाजवादी पार्टी जो है चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, तो जब आदमी जब हारता है, क्योंकि पूरी जनता का भरोसा तो मोदी और योगी में है, सारी जनता यहाँ पे वोट दे रही है, जब उनके पास कोई पहुँच नहीं रहा है, कोई वोट नहीं है, आदमी हताश और निराश, और जब आदमी हताश और निराश होता है तब अनाप शनाप अपनी बात कहता है। ये बेबुनियाद है। पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन यहाँ का लगा हुआ है, किसी प्रकार के कहीं पोलिंग पे कोई गड़बड़ी नहीं। जिलाधिकारी मऊ को ज्योति राम के अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से धमकी मिली है कि यदि वो सपा के लोगों को मतलब अगर कहीं रोकते हैं वोट देने से तो वो उनको मतलब ऐसा है। ये योगी जी की सरकार यूपी में है, सारे गुंडे जो बैड एलिमेंट्स थे सारे लोगों का इलाज हो रहा है, ऐसे लोग या तो जेल में हैं या तो जेल प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, किसी भी हमारे अधिकारी कर्मचारी पर अगर कोई धमकी देगा तो इसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। 6 साल में 4 बार चुनाव है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में लोगों को अगर बार बार अवसर मिलता है इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। तो क्या लगता है कि जीत इस बार सहरा सजेगा? निश्चित रूप से, जिस तरीके से यहाँ पर रुझान है, केवल जीत नहीं होगी, भारी अंतर से रुझान होगी। और उसी दिन 8 सितंबर को तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कई लोगों का मानना, लोग सोच रहे हैं कि आप वोट नहीं डाल रहे हैं, ऐसा क्यों? मतलब क्या चीजें हैं कि मतलब आप वोट नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरा घर दरवाजा सब कुछ यहीं पर, क्योंकि इतने लोग समर्थन में लोग हैं यहाँ पर वोट दे रहे हैं कि पूछना नहीं है, भारी से भारी बहुमत।